हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो यार बैक दी वेलकम, अब डायलॉग बोर के बोर हो गया हूँ, जो कि आपको जानते हो मैं यही कहूँगा बेयर बैक दी वेलकम या फिर वेलकम दी बैक। स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट WWE की वीडियो में, क्योंकि आज की वीडियो एक बार फिर से रिलेटेड है जॉन सीना से एंड उनके रेसलमेनिया 36 के अपोनेंट के बारे में, क्योंकि जॉन सीना को कर दिया रैंडी ऑटन ने चैलेंज फॉर रेसलमेनिया 36। इस वीडियो में इस अपडेट को कवर करेंगे, इसके अलावा बात करेंगे द फिन के नेक्स्ट चैलेंज के बारे में जो कि आ चुका है सामने, केन विलासगस के WWE के नेक्स्ट मैच के बारे में भी एंड WWE का मेक्सिको का सुपर डाउन और वहां पर कौन कौन से मैचेस होंगे इस वीडियो में कुल करेंगे इसी के बारे में। तो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले वीडियो में बात कर लेते हैं केन विलासगस के बारे में। हम सभी जानते हैं लास्ट टाइम केन विलासगस को हमने इन रिंग देखा था जब वो लड़े थे ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट एट क्राउन ज्वेल पे पर व्यू, और ये मैच था फॉर द WWE चैंपियनशिप। हम सभी ये होप कर रहे थे कि यहाँ पर केन विलासगस हरा देंगे ब्रॉक लेसनर को, पर ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है। ब्रॉक लेसनर की एक बार फिर से वहाँ पर हमें डोमिनेंस दिखाई देती है। लेकिन अब हम बात कर लें कि क्या होने वाला केन विलासगस का नेक्स्ट स्टेप, क्या वो फेस करेंगे कौन से सुपरस्टार का, एक सिंगल्स मैच में, एक टैग टीम मैच में। तो आपको बता दूं WWE का मेक्सिको का सुपर शोडाउन इवेंट होने वाला है, जहां पर अभी बात कंफर्म कर दी गई कि वहां पर हमें रे मिस्टीरियो टीम अप होते हुए नजर आने वाले हैं केन विलासगस के साथ, और वो फेस करेंगे एंड्राडे सियान आल्मस एंड ड्रू मैकइंटायर का, जो कि काफी मैं कह सकता हूं अलग तरह का टैग टीम है, पर देखना काफी मजा आने वाला है क्योंकि रे मिस्टीरियो एंड केन विलासगस यहां पर एक साथ होंगे। और इससे ये भी बात कंफर्म हो जाती है कि अब रे मिस्टीरियो पूरी तरीके से फिट हैं और वो इन रिंग एक्शन में दिखाई जरूर देंगे। तो इस मैच को देखने में मजा इसलिए आने वाला क्योंकि फाइनली रे मिस्टीरियो का मैच होने वाला ब्रॉक लेसनर के साथ, और किस तरीके से WWE यहां पर उनकी बुकिंग करते हैं, किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस आती है, ये सभी चीजें देखने बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जरूर होंगी। लेकिन इसके अलावा बात कर लें नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है द फिंड से, इसके अलावा द फिंड के नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि है यूनिवर्सल चैंपियनशिप का। अगर आपको नहीं पता बता दो, पहले ऐसी अपडेट्स आ रही थी कि सेथ रॉलिंस को एक बार फिर से रीमैच मिलने वाला, लेकिन जब से जनता उन्हें बू करने लगी है यहां पर ऐसी अपडेट्स आ रही कि अब एक भी मैच नहीं मिलने वाला सेथ रॉलिंस को द फिंड के खिलाफ, और यही रीजन है सेथ रॉलिंस को हेट ना मिले और सबसे बड़ा रीजन भी फिलहाल का जिसके कारण उनको एक और मैच नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब हम बात कर लें कि क्या होने वाला है आगे उनके साथ, तो आपको बता दूं द फिंड फेस करेंगे द मिस का एक स्टील केज मैच के अंदर। अभी ऐसा क्यों होने वाला है क्योंकि WWE का जैसे मैंने आपको बताया मेक्सिको का एक सुपर शोडाउन का इवेंट होने वाला है, और वहीं पर हमें दिखाई देगा ये मैच जहां पर द फिंड हमें फेस करते हुए नजर आने वाले हैं स्टील केज मैच में द मिस का। और आपको बता दूं अभी फिलहाल मेरे ख्याल से मुझे डेट याद नहीं रही है जब रिकॉर्डिंग के टाइम, लेकिन शायद वो डेट है इस महीने की आखिरी, आई थिंक 25 या 26, जो भी डेटा आपको इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आप जाकर वहां से चेकआउट कर लेना। लेकिन अब बात कर लें आखिरी एंड फाइनल अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी है सी नेशन 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना एंड द वाइपर वेल रैंडी ऑर्टन एंड रेसलमेनिया 36 के बारे में, जहां पर इन दोनों का मैच एक तरीके से हो चुका है कंफर्म। आप सभी ये सोच रहे हो कि यार किस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने यहां पर एक तरह का ओपन चैलेंज दिया जॉन सीना को फॉर रेसलमेनिया 36, तो आपको बता दूं रिसेंटली उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट डाली है जो कि देख सकते हो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने। यहां पर हमें जॉन सीना की एक फोटो दिख रही है उनकी मैगजीन के ऊपर, और यहां पर उस मैगजीन का नाम है अप फॉर अ चैलेंज, और यहां पर जॉन सीना का काफी अच्छे तरीके से मेंशन भी नीचे किया गया। लेकिन अब बात कर ले किस तरीके से उन्होंने कहा, तो उनका कहना यह होता है कि जब वो एक फ्लाइट ले रहे थे लंदन के लिए, तो अचानक से एक जो यंग मैन है उनसे टक्कर खाता है, और वो जो यंग मैन है वो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो जॉन सीना वो तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं इस, मैं कह सकता हूं चैलेंजिंग बुक के ऊपर जो टैगलाइन लिखी है उससे। तो यहां पर रैंडी ऑर्टन कह सकते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मतलब मेरा डायलॉग कॉपी कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन, ठीक है। तो उसके अलावा आपको बता दूं वो कहते हैं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है रेसलमेनिया 36 में, और एक तरीके से यहां पर एक सॉलिड बुकिंग होगी क्योंकि एक हॉलीवुड सुपरस्टार फेस करने वाला है द वाइपर वेल रैंडी ऑर्टन को, और देखने में काफी मजा आने वाला है क्या जॉन सीना का इस पर कोई रिएक्शन होता है या फिर नहीं। फिलहाल अभी मैं कह सकता हूं रैंडी ऑर्टन की तरफ से ये जो चीज है या फिर कहूं ये जो चैलेंज है दे दिया गया जॉन सीना को, एंड देखते हैं क्या होता है रेसलमेनिया 36 में इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच मैच होगा या फिर नहीं। अगर होता है तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताना आप किसे देखना चाहोगे, आप चाहोगे द लेजेंड किलर वाइपर वेल रैंडी ऑर्टन को जीतते हुए, या फिर आप देखना चाहोगे द सी नेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन सभी के फेवरेट को जीतते हुए। तो बस कर देते हैं आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड। अगर आपको ये वीडियो को देखकर मजा आया तो यार क्या कर रहे हो, नीचे जाकर वीडियो को लाइक मारो, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप चाहकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जॉन सीना के WWE के अपडेट्स आगे भी आपको ऐसे जानने को मिलते रहे। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।